अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ तस्लीम फातिमा, मेरे चैनल तस्लीम कनो फूड ब्लॉग इंडिया, जहाँ मैं आपके लिए ब्लॉग के साथ अमेजिंग से रेसिपी लेके आती हूँ जो इजी तरीके से। तो आज मैं आपके लिए लेके आई फिर से एक नई रेसिपी, चिकन शॉर्मा, जो आपने रोड साइड स्ट्रीट स्टाइल रेस्टोरेंट में काफी बार खाया होगा। तो चलिए दिखाते हैं मुझे क्या चाहिए बनाने। और ये जो है मम्मी की मम्मी की मम्मी कर रही है, तो चलिए मैं कैमरे को नीचे करती हूँ और दिखाती हूँ मुझे क्या क्या बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैंने चिकन को ब्रेस्ट पीस लिया है और उसे क्यूब में कट कर लिया, और मसालों में एक चम्मच, आधी चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला, आधी चम्मच चिली फ्लेक, आधी चम्मच हल्दी, नमक, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच जीरा पाउडर। तो ये सब मैं अपने चिकन में पहले डालूंगी। और थोड़ी सी मैंने फूड कलर यूज किया है, एक चम्मच विनेगर, और ये मैंने लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट है, और सभी को अच्छे से हम मिला देंगे। तो चिकन को मैंने मैरिनेट के लिए रख दिया है, और अब हम रोटी इसका डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। शोरमा के डो बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, और इसमें मैं 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, सोडा नहीं, और ये छोटी सी मैं 1 चम्मच के करीब दही, और 1 चम्मच मैं इसमें तेल यूज कर रही हूँ, और नमक मैंने डाल दिया हसबे जायका। अब इसका हम एक नरम सा डो लगा लेंगे अच्छे से। तो ये मैंने नरम डो बना लिया, अब इसे हम रेस्ट करने के लिए। तो चिकन शोरमा के लिए हमें 2 तरह की चटनी की आवश्यकता है। तो पहले व्हाइट चटनी, जिसे हम व्हाइट सॉस भी कहते हैं, उसके लिए मैंने 2 चम्मच के करीब तिल लिया, सफ़ेद तिल है ये, 1 छोटी सी प्याज और 4 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच इसमें मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं, और 2 चम्मच मायनी म्यूनीस जिसे कहते हैं। तो अब बस मैं अपने सॉस को बगैर पानी के अच्छे से बारीक से पेस्ट। तो हमारा व्हाइट सॉस बन के रेडी हो चुका है। रेड सॉस बनाने के लिए मैंने 4-5 लाल मिर्च ली, 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स, 3-4 लहसुन की कलियां, और 1 छोटी सी मैंने प्याज ली है, और 1 चम्मच मैं विनेगर यूज कर रही हूँ, और 1 चम्मच चिली सॉस। तो अब सबसे पहले अपने चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, और ये मैंने 2 चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और अपने चिकन का देखिए अच्छे से फ्राई करेंगे। हम तेज फ्लेम पर अपने चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा जो हमने आयरन की कढ़ाई यूज की है, इसमें थोड़ा स्मोकिंग फ्लेवर भी आ जाए। तो जो हमने नरम डो बना के रखा था, छोटी सी लोई ली है, इसकी रोटी बना। तो हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम चिकन को अपने साइड में कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन तैयार है, मैंने तवा को रख दिया गर्म करने के लिए, ये दोनों हमारे सॉसेस तैयार है। और अब रोटी को मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से चाकू या कांटे से आप इस तरह से छेद कर दे, ताकि हमारी रोटी फूले ना। तो बस तवा गर्म हो चुका, मैं अपनी रोटी को रख दूंगी। और ये वीडियो मैं काफ़ी दिक्कत से शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं दिखा रही हूँ ये ट्राईपॉड मेरा टूट चुका है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो एक लाइक करें। तो आपको काफ़ी पसंद आने वाला, तो मैं रोटी को दोनों तरफ से अच्छे से तो बस मैं अपनी रोटी को अच्छे से सेक लूँगी। तो बस हमारी रोटी बन के रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं एक रोटी लूँगी, उस पर मैं व्हाइट सॉस के अच्छे से लगा, व्हाइट सॉस लगाने के बाद इसमें रेड सॉस अच्छे से
इस तरह से लगाना है। उसके बाद मैंने साइलेट, आपके जो मनपसंद साइलेट है, खीरा, शिमला मिर्च, मैंने प्याज, टमाटर और बीटरूट लिया है। उसके बाद हम उसके ऊपर से अपने चिकन के पीसेस रख देंगे। अपनी रोटी को इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर से मैंने एक टूथपिक लगा दिया है। आप चाहे बटर पेपर में लपेट सकते हैं, क्योंकि अभी हमें सर्व करना है तो मैं इस तरह से कर ली। तो ये देखिए मैंने कितने अच्छे से एक एक टूथपिक लगा दिया है और खाने के लिए अब सर्व है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए। तो ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो आई होप मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी।